क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। ये क्वेश्चन सेट थ्योरी पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। ए बी और सी थ्री सेट्स हमें गिवन है, डी हमें डिफाइन किया गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें डी में मालूम करने हैं। अगर हम बात करते हैं ए यूनियन बी की, तो इसका मतलब होता है वो सारे एलिमेंट्स जो ए और बी में आ रहे हैं उन्हें काउंट करना है, लेकिन सिर्फ एक ही बार। तो ये मेंबर्स हो जाएंगे 2, 3, 4, 8 एंड 10। हमने पहले ए के तो सारे एलिमेंट्स लिख दिए, अब बी में वो लिखेंगे जो कॉमन हैं उनके अलावा। जैसे 3 और 4 ऑलरेडी हमने काउंट कर लिया है, 10 हमने काउंट कर लिया है, तो यहां पर हम 5 एंड 12 ये लिखेंगे। ऐसे ही व्हाट अबाउट ए यूनियन सी, अगेन ए के हम सारे मेंबर्स लिख सकते हैं 2, 3, 4, 8, 10, और सी में वो मेंबर जो ऑलरेडी काउंट नहीं हुए हैं। That means हम यहाँ पर देखें 4 हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है, 5, 6, 12, 14 ये हमने यहाँ पे काउंट नहीं किया है, तो इन्हें हम लिख देते हैं 5, 6, 12 एंड 14। हमें यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन लेना है यानी कॉमन मेंबर्स, तो 2, 3, 4, 8, 10 ये तो हमें लेने ही होंगे, 5 और 12 ये भी हमें लेने होंगे। तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी, 2, 3, 4, 8, 10, 5 एंड 12। ऑर्डर में लिखने की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्टेप्स के नंबर नहीं मिलेंगे, फाइनल आंसर हमारा होना चाहिए। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है बी इंटरसेक्शन सी को। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब हुआ इन दोनों में जो जो मेंबर्स कॉमन है। कौन कौन कॉमन है अगर हम देखें तो 4, 5 और 12 बी में है, 4, 5 और 12 सी में है, तो यहां पर एलिमेंट्स होंगे 4, 5 एंड 12। तो अगर इसमें से मैं ये 4, 5 और 12 सब्ट्रैक्ट कर दूं, अब जो बचेगा वो हमारा सेट डी कहलाएगा। सो 4, 5 और 12 ये हम हटा सकते हैं, तो हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 टोटल 4 एलिमेंट्स बचेंगे सेट डी में। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स एक्स एंड वाई हमें गिवन है पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स एक्स के, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो वाई के हैं उनसे 112 ज्यादा है, 2p-3k की वैल्यू हमें निकालनी है। सबसेट्स का बेसिक फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। अगर किसी सेट में मान लीजिए n एलिमेंट्स हों तो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 raised to the power n। दैट मीन्स अगर हम सेट एक्स के सबसेट्स निकालना चाहें तो वो होगा 2 raised to the power p। ऐसे ही सेट वाई के सबसेट निकालना चाहें तो वो होगा 2 raised to the power q। हमें इन दोनों का डिफरेंस 112 गिवन है। अगर p और q की वैल्यू मालूम हो जाए तो इमीडिएटली हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 112 को हम ब्रेक करते हैं सच दैट, बिकॉज अगर हम यहाँ पर 2 की पावर q कॉमन ले लें तो एक फैक्टर 2 की पावर होना चाहिए और दूसरा फैक्टर 2 की पावर से एक कम होना चाहिए। बिकॉज मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर q कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा 2 raised to the power p-q-1। नाउ 2 raised to the power p-q ये एक इवन नंबर है, माइनस वन अगर मैं करता हूँ तो ये ऑड नंबर हो गया। तो एक नंबर तो मुझे ऑड चाहिए और दूसरा 2 की पावर चाहिए। 112 को अगर हम ब्रेक करें इस तरीके से तो एक तरीका होगा 112 into 1, बट ये नंबर 2 की पावर नहीं है। दूसरा तरीका हम क्या ले सकते हैं, 16 into 7, राइट। नाउ ये 2 की पावर है, ये ऑड नंबर है। इसके अलावा अगर हम 2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो किसी भी हालत में हमारा दूसरा नंबर इवन नहीं होगा। सो ये अकेली पॉसिबिलिटी है जिसके साथ हमें वर्क करना होगा। हम इसको लिख सकते हैं 2 raised to the power 4, और ये जो 2 raised to the power 7 है इसे हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 3-1। या अगर हम इसे ओपन करें तो ये हो जाएगा 2 raised to the power 7-2 raised to the power 4। कंपेयर करते हैं, p की वैल्यू हो गई है 7 और q की वैल्यू हो गई है 4। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, 2p-3q, twice of p हो गया है 14, thrice of q हो गया है 12, दोनों का डिफरेंस है 2। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सेट a हमें गिवन है, सेट b गिवन है, सेट सी हमें डिफाइन किया गया है एक्स वाई, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई एंड एक्स इज लेस देन वाई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी हमें मालूम करना है।
तो x हमें लेना है a से और y लेना है b से। एक और चीज ध्यान रखनी है कि x y का फैक्टर होना चाहिए और x y से छोटा होना चाहिए। तो अगर हम सेट C के यहाँ पर एलिमेंट्स की बात करें तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए a अगर हम यहाँ पर फोकस करते हैं x 2 लिखा है, तो देखिए कि b में कौन कौन से नंबर है जिनका ये फैक्टर है और जिनसे ये छोटा है। सो वी कैन से 2,4, 2,6, वी कैन हैव 2,18। इसके अलावा और बाकी जो दो नंबर्स हैं उनका फैक्टर 2 नहीं है। चलिए आगे मूव करते हैं 4 पर। 4 यहां पर 4 का फैक्टर है, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है x शुड बी लेस देन y, तो हम इस केस को कंसीडर नहीं करेंगे। 4 6 का फैक्टर नहीं है, 18 का नहीं है, 27 81 का नहीं है, तो 4 के साथ हमारा कोई भी यहां पर पेयर नहीं बनेगा। क्या 6 के साथ बनेगा? देखिए 6 के साथ 6 एक फैक्टर है, लेकिन 6 ये जो x की वैल्यू हम ले रहे हैं वो y से छोटी होनी चाहिए, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। बट यस, 6 और 18 हम लिख सकते हैं, 27 81 चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 6 एक इवन नंबर है और ये दोनों ऑड नंबर्स हैं। व्हाट अबाउट 9? 9 के साथ 18, यस 9 18 का फैक्टर भी है और 18 से छोटा भी है। 9 के साथ वी कैन टेक 27, ये फैक्टर भी है और इससे छोटा भी है, एंड 9 कैन बी टेकन विद 81 आल्सो। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे गए हैं तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फंक्शंस पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, आपको इनवर्स फंक्शन निकालना आना चाहिए। हमें एक फंक्शन डिफाइन किया गया है f फ्रॉम रियल टू रियल नंबर, fx की वैल्यू हमें गिवन है 2x माइनस 3। ऐसे ही एक फंक्शन g हमें डिफाइन किया गया है, वो भी रियल टू रियल है, gx की वैल्यू है x क्यूब प्लस 5। हमें fog इनवर्स माइनस 9 की वैल्यू मालूम करनी है, तो सबसे पहले तो हमें fog x इसकी वैल्यू निकालनी होगी, उसके बाद हमें इस वैल्यू को इनवर्स करना होगा। fog x को हम कैसे लिखते हैं, f ऑफ gx, f gx की जगह हम लिखेंगे x क्यूब प्लस 5। नाउ f ऑफ x क्यूब प्लस 5 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, fx में जहां जहां हमने x लिखा है उसे रिप्लेस करना होगा x क्यूब प्लस 5 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ x क्यूब प्लस 5 माइनस 3। ये हो गया है 2x क्यूब, 5 इंटू 2 10 माइनस 3, ये हो गया है 7। ये हमारे पास एफ ओ जी एक्स की वैल्यू आ गई। इनवर्स फंक्शन निकालते समय जो अप्रोच है वो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इक्वल टू वाई करेंगे और एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस 7। 2 हम यहां नीचे ले जा सकते हैं और दोनों तरफ अगर हम क्यूब रूट लें तो ये हो जाएगा पावर 1/3 और यहां पर हम x लिख देंगे। एक बार हमने इस तरह से लिख दिया है तो हमारा एफ ओ जी इनवर्स फंक्शन क्या कहलाएगा, जहां जहां हमने y लिखा है वहां वहां हम x लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 अपॉन 2 होल रेस टू द पावर 1/3। क्वेश्चन में एफ ओ जी इनवर्स माइनस 9 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, That means हमें x को रिप्लेस करना है माइनस 9 से। माइनस 9 एंड माइनस 7 ये हो गया माइनस 16 अपॉन 2 करेंगे तो माइनस 8, और माइनस 8 की पावर 1/3 अगर हम निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 2, बिकॉज माइनस 2 का क्यूब करने पर हमें माइनस 8 आता है, तो माइनस 8 का क्यूब रूट करने पर माइनस 2 आएगा, सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फंक्शन पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, हमें f ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन x डिफाइन किया गया है, फिर x इज नॉट इक्वल टू 0, fx की वैल्यू k माइनस x के इक्वल है और हमें k की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जनरली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कोशिश ये करें कि ये जो राइट हैंड साइड का पोर्शन है वो इसकी टर्म में डिफाइन हो जाए। अगर हम इसको ओपन करें 5x अपॉन x करेंगे तो ये हो गया 5 प्लस 1 अपॉन x, हमें चाहिए 1 माइनस 1 अपॉन x, तो हम एक काम कर सकते हैं इसमें 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1
प्लस वन अपॉन एक्स, और दिस इज सिक्स, और माइनस कॉमन ले लें तो ये वन माइनस वन अपॉन एक्स आ गया है। तो हमारे पास एफ ऑफ वन माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई है सिक्स माइनस वन माइनस वन अपॉन एक्स। अब अगर हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है तो हमें सिर्फ क्या करना होगा, जहां जहां हमने वन माइनस वन अपॉन एक्स लिखा है उसे रिप्लेस करना होगा एक्स से, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा सिक्स माइनस एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है, के माइनस एक्स। तो कंपेयर करने पर वी कैन फाइंड कि हमारा जो के है उसकी वैल्यू होगी सिक्स। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फंक्शंस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें एफ एक्स डिफाइन किया गया है, एफ इनवर्स माइनस एट और एफ इनवर्स 24 की वैल्यू हमें निकालनी है। इनवर्स फंक्शन निकालते समय स्टेप्स आपको बिल्कुल क्लियरली मालूम होनी चाहिए। 4x क्यूब माइनस 8, ये हमें fx गिवन है, सबसे पहले इसको y के इक्वल पुट करिए और x को y की टर्म में डिफाइन कर दीजिए। माइनस 8 राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा y प्लस 8 एंड दिस विल बी इक्वल टू 4x क्यूब। अगर हम 4 को डिनोमिनेटर पे ले जाएं तो यहां से हम 4 हटा सकते हैं, और अगर दोनों तरफ हम क्यूब रूट ले लें तो यहां तो हो जाएगा x और यहां पर हो जाएगा 1/3। ये पावर, एक बार हमने x को y की टर्म में डिफाइन कर दिया है तो f इनवर्स x कैसे लिखेंगे, जहां जहां हमने y लिखा है वहां हम x लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 8 अपॉन 4 होल रेस टू द पावर 1/3। f इनवर्स माइनस 8 हमें निकालना है तो f इनवर्स माइनस 8 के लिए हमें क्या करना होगा, x की जगह माइनस 8 पुट करना, माइनस 8 प्लस 8 किया तो ये 0 हो गया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें f इनवर्स 24 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 24 से, 24 प्लस 8 32, 32 अपॉन 4 करने पर 8, और 8 रेस टू द पावर 1/3 करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेट थ्योरी पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। 980 स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, अलग अलग गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले नन ऑफ द गेम्स। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर वेन डायग्राम का सहारा ले सकते हैं। यूनिवर्सल सेट यानी टोटल स्टूडेंट जो है वो है 980। तीन गेम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम तीन गेम्स के लिए तीन सर्कल बना सकते हैं। ये हमारे तीन सर्कल्स हो गए हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिकेट को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बास्केटबॉल को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है फुटबॉल को। क्रिकेट खेलने वाले कुल कितने स्टूडेंट्स हैं, 50%। 980 का 50% होता है 490। बास्केटबॉल खेलने वाले हैं 30%, इसका 30% अगर हम निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 294। आपको नॉर्मल इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 19 इंटू 3 270, 8 इंटू 3 24, और दोनों को ऐड किया तो 294। 40% प्ले फुटबॉल, अगेन इसका 40% हम कैसे निकालें, 4 इंटू 90 360, 4 इंटू 8 32, 360 एंड 32 ये हो गया है 392। 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, इन दोनों का सम 60 होना चाहिए। 48 स्टूडेंट्स प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, ये वैल्यू 48 है। 180 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, ये 180 है। 35 स्टूडेंट्स प्ले ऑल द थ्री गेम्स, ये वाला पार्ट 35, हमें ये वाली वैल्यू पूछी गई। एक काम करें, हम सारी वैल्यूज निकालें और उसके बाद में 980 में से उन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दें। ये 35 है तो ये वैल्यू 13 होगी, क्योंकि इन दोनों का सम 48 होना चाहिए। ये 35 है तो ये वैल्यू 145 होगी, इन दोनों का सम 180, ये 35 है तो ये 25 होगा। क्या हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, 35 एंड 25 60 एंड 13 73, तो हमारे पास बचेगा 221। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें, 145 एंड 35 180 एंड ये 13, ये हो गया है 193, तो हमारे पास में जो वैल्यू बचेगी वो आएगी 199। ठीक है ना,
हमें पूछा गया है ये वाली वैल्यू। तो अब इसको निकालने की हमें जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इन चारों का सम हमें मालूम है 490 है। तो यहां पर हम लिख देते हैं 490। इसके अलावा इन तीनों को भी हमें ऐड करना होगा, ठीक है। इन दोनों का सम हो गया है 420 और एक ये 30 और हो गया। ये दोनों हो गए हैं 910 एंड 13, 923। अगर 980 में से हम इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आएगा 57। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करनी है कि किसके बीच में लाई करती है। सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 by 3, इसको हम लिख सकते हैं 8/3 मल्टीप्लाइड बाई 32 and 3, ये हो गया है 35/8 डिवाइडेड बाई 2 1/2 को हम लिख सकते हैं 5/2 अगेन डिवाइडेड बाई 2 1/3, ये हो गया है 7/3 2 1/2 वी कैन राइट इट एज 5/2 -1/6 डिवाइडेड बाई 2 1/3 अगेन ये है 7/3 एंड लास्ट में ऑफ 2 4/5 दैट इज 14/5। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस में हमारा जो ऑर्डर होता है वो होता है वी बोर्ड मास। वी स्टैंड फॉर वन कॉलम, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर हम इस ब्रैकेट की बात करें तो पहले हम डिविजन करेंगे। इन दो टर्म्स के बीच में ये कैलकुलेशन हो रही है, तो डिवाइडेड बाई 5/2 को हम रिवर्स करके लिख देंगे 2/5 और इसको सॉल्व करें तो ये 5 7 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 4 गोज इनटू 8 2 टाइम्स, तो यहां पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 14/3 डिवाइडेड बाय, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 6 एलसीएम ले सकते हैं, तो 3 गोज इनटू 6 2 टाइम्स, 2 इनटू 7 14, 2 गोज इनटू 6 3 टाइम्स, 3 इनटू 5 15, -1 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाई 7/3 है, हम चाहे तो इसको इनटू 3/7 लिख सकते हैं ऑफ 14/5 14 and 15 29 -1 28/6, तो यहां हम लिख सकते हैं 28/6 3 goes into 6 2 times 7 goes into 28 4 times 2 goes into 4 2 times, तो यहां बचेगा 14/3 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 14/5। पहले ऑफ का वैल्यू होगा सॉल्व, ऑफ का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 14/3 डिवाइडेड बाई 14 into 2 28/5। आगे सॉल्व करते हैं 14/3 into 5/28 14 goes into 28 two times, हमारा एक्सप्रेशन हो गया है 5/6 के इक्वल, इसकी वैल्यू होती है 0.833 एंड सो हमारा आंसर 0.8 और 0.9 के बीच में है, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं, उसके अलावा कितने मार्क्स आए हैं उसके बारे में कोई जानकारी दी गई है। लास्ट में पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ बॉयज रिप्रेजेंट दोज बॉयज हु स्कोर्ड 80 मार्क्स और लेस। एक काम करते हैं, क्लास में टोटल स्टूडेंट हम अज्यूम कर लेते हैं 100x, 3/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो इनमें से बॉयज कितने हैं, इस वैल्यू का 3/5 दैट इज 60x। ये x हमें लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा क्वेश्चन फ्रैक्शन में चल रहा है, तो इसको हम 100 लेके भी सॉल्व कर सकते थे। तो अगर 3/5 बॉयज हैं तो रिमेनिंग गर्ल्स कितनी होंगी हमारी, 40x। 4/5 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स स्कोर्ड मोर देन 80 मार्क्स, इन गर्ल्स में से मोर देन 80 मार्क्स कितनी गर्ल्स लेके आई हैं, इट इज गिवन 4/5, सो दैट इज इसका 4/5 ये वैल्यू हो गया है 32x। तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग गर्ल्स, हम कह सकते हैं उनके लेस देन और इक्वल टू 80 मार्क्स है,
ये गर्ल्स कितनी होंगी, 40x माइनस 32x, दैट इज 8x। आउट ऑफ 150 मार्क्स है। अगेन यहाँ मार्क्स जो दिए गए हैं इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम अपने हिसाब से इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। 3/5 ऑफ द टोटल नंबर स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 80 मार्क्स। अगर हम यहां पर बात करते हैं मोर देन 80 मार्क्स, ये स्कोर करने वाले कुल कितने स्टूडेंट हैं, 3/5, दैट इज 60x। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज रिप्रेजेंट दोज बॉयज हु स्कोर 80 मार्क्स और लेस। अच्छा, अगर हम यहां पर बात करते हैं ये टोटल 60x है जिनके 80 से ज्यादा नंबर आए हैं और उनमें से गर्ल्स कितनी है, 32x, तो बॉयज जिनके 80 से ज्यादा नंबर आए हैं वो कितने होंगे, 60x माइनस 32x, दैट इज 28x। और अगर मान लीजिए ये भी पूछा जाए यहां पर कि लेस देन और इक्वल टू 80 मार्क्स आने वाले कितने बॉयज हैं, तो जवाब होगा 60x माइनस 28x, दैट इज 32x। क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ बॉयज 60x है, दोज बॉयज हु स्कोर 80 मार्क्स और लेस वो है 32x, तो हमें ये पता करना है ये वैल्यू इस वैल्यू का कितना फ्रैक्शन है, 32x अपॉन 60x, x आप कैंसिल कर सकते हैं, 4, 8 टाइम्स 4, 15 टाइम्स हमारा आंसर होना चाहिए सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। थ्री फ्रैक्शंस हैं ए बी एंड सी, उनका सम हमें गिवन है 37/24, सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 37/24, वेयर ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी। व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय बी, इफ वी डिवाइड ए बाय बी द रिजल्ट इज 3/60 विच इज लेस देन सी बाय 9/16, दैट मीन्स ये जो रिजल्ट है ये अगर सी में से मैं 9/16 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आ जाएगा, दैट मींस हमारी सी की वैल्यू क्या होगी, 9/16 राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ऐड होके 12/16 या सी की वैल्यू आ गई है 3/4। हमें डिफरेंस पूछा गया है ए प्लस बी एंड सी में, अगर सी की वैल्यू 3/4 हम यहां पुट कर दें तो हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी और वो क्या होगा, 37/24 माइनस 3/4। एक काम करते हैं 3 × 6 करके 18 कर देते हैं, 4 × 6 करके 24 कर देते हैं, सो दैट डिनोमिनेटर मैच हो जाए। इन दोनों का डिफरेंस है 19/24। अब a प्लस बी आ गया है 19/24, c को हम लिख सकते हैं 18/24। हमें इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है और ये डिफरेंस है 1/24, सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर।